أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يا بر فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي عمري صاحب को जहमत दूंगा कि वो दाइस पर तशरीफ लाएँ इनके मौजू का इनकी तकरीर का भी खुलासा करें और अपने इर्शादात से भी इस अजीम मज़मे को नवाजें फल मशकूरा अलहमदीन वाल नबीना मोहम्मद वाली वही अजमीन वन तबीसान दीन अम्माबाग बहुत ही मोजज़ भाइयों किराम और शराकए मजलिस मैं अपनी गुफ्तगु शुरू करने से पहले अपने तमाम भाइयों से और अहबाब जमात से ये दरख्वास करूँगा कि आप कुछ देर के लिए तशीफ़ रखें ताकि इत्मीनान से गुफ्तु की जा सके और आप इतमान से सुन सकें हजरात ये अजीम्शान कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ हैसियतों से बड़ी अहमियत रखती है एक तो अपने अनवान के अतबार से कि इसका वक्त की पुकार वक्त की ज़रूरत मशरक़ और मगरब का मुतालबा और गोया कि उसकी तकमील की जा रही है तदाल और तोज़न के हवाले से गुफ्तु करते हुए इस एतबार से ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है और दूसरा बड़ा सबब जिन पुराशोब हालात में ये कॉन्फ्रेंस मनकद हो रही है वो अपनी जगह बहुत ही गौर तलब है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों ने दावत अहल हदीस और तहरीक अहल हदीस को तरने वाला समझ रखा है जिसका सबूत बरतानिया की पार्लियामेंट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान देते हुए अजीब सी बात कही थी हम चाहेंगे कि वो बात अपने मज्ज़ उलमा और खास तौर पर बिलाद अरबिया से तशीफ वा, ला, लाने वालों को सुनाए कि बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें बढ़ते हुए वहाबियत के खतरे से चौकन्ना रहना चाहिए यानी वहां भी एक खतरा है और उस खतरे से चौकन्ना रहने की दावत दी जा रही है आखिर आप थोड़ी देर के लिए गौर फरमाइए कि आप किसके लिए खतरा है आपका वजूद किसके लिए मुश्किल चैलेंज बन सकता है क्यों लोग आपका इसमें गिरामी इस अंदाज से ले रहे हैं यह सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट की बात नहीं बल्कि सीरिया के अंदर जारी जुल्म और, और खूनी जंग उसके जिम्मेदार بشار-ul-असद ने यह कोशिश की कि वहाँ ये जो कुछ हो रहा है गोया के सलफीत और शयत के दरमियान ये मुकाबला है उन्हें भी एतराज़ के सलफ़ी एक चैलेंज बनते जा रहे हैं इसलिए इसकी रोकथाम ज़रूरी है और उन्हें भी एतराज़ कि ये वहाँ भी एक खतरा बन रहे हैं इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बाहर की बात नहीं बल्कि यह खुद अपने घर की भी बात है कि यहां कितने लोगों ने कितनी जमातों ने कितनी दरसगाहों ने और कितने दीनी इदारों ने अपना इस वक्त यह टारगेट बना रखा है अपना यह हदफ बना रखा है कि अहले हदीसों के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए उनकी दावत के आगे रुकावट खड़ी की जाए गोया कि यही सबसे बड़ा इस वक्त का खतरा है और इस खतरे को वो चाहते हैं कि जोरे बाजू से या अपनी ताकत से रोकें इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इन हालात में ये कॉन्फ्रेंस की और भी ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है हम किसके लिए खतरा हैं और हमारे कदमों को कौन रोकना चाहता है कौन है वो जो हमारे पांव में जंजीरें डालना चाहता है अभी कारी कुरान ने सुर हामिद सजदा की आयत 24 से अपनी तिलावत का आगाज किया ये उस वक्त की बात है जब रसूल अक्रम वसल्लम ने तो की दावत का ऐलान फरमाया मक्के के मुश्रकिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह से इस दावत का मुकाबला किया जाए और जब उन्होंने देखा कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने यह तजवीज पास की वकाल कफरू ला तस्माऊ लिहादल कुरआनी बलगफी लाल लकम तगली अगर तुम चाहते हो कि इस दावत को रोका जाए तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम उसका जवाब नहीं दे सकते मजीद का मुकाबला भला इंसान क्या करे कादिर मुतलक का कलाम और आजिज मुतलक उसका मुकाबला करना चाहे ये कैसे मुमकिन है तो उन्होंने चाहा कि हम

हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस में यहाँ के गाँव और करियों में यहाँ के शहरों और बाजारों में अगर ये प्रोग्राम कोई तरतीब दे रहा है कि किसी तरह अहल हदीस दावत को रोका जाए और अगर कुछ अरब ममालिक के अंदर लोग चाहते हैं कि दावत अहल हदीस को रोका जाए अगर बरतानवी पार्लियामेंट ने ये बात की जा रही है कि वहां भी हमारे लिए खतरा है इनके कदमों को रोक दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि क्या यह मुमकिन है कि तुम इस वक्त हमारे कदमों को रोक सको क्या यह मुमकिन है कि तुम दावत अहल हदीस के पांव में जंजीरें डाल सको ये मुमकिन नहीं ये इम्पॉसिबल है कि कोई इस वक्त अहले हदीस दावत के कदमों को रोक दे यह नामुमकिन है कि आप चाहे दिन के उजालों में या रात की तारीखी में बैठकर अपने प्रोग्राम मुरतब कर लें मगर इस वक्त मशरको मगरब में जिस तेजी के साथ और जिस अवत के साथ कुरान सुन्नत की आवाज़ गूंज रही है कौन है जो अपनी ताकत का मुजाहरा करके इसको रोक सके अगर उस वक्त नहीं रोका जा सका आज भी नहीं रोका जा सकता आपने देख लिया कोशिश करके कि किसी तरह से हम ये कदमों को रोक दें मगर रोका नहीं जा सका और नहीं रोका जा सकेगा इन इसलिए कि ये कुरान और सुन्नत की दावत है और कुरान और सुन्नत की दावत ये रहने के लिए आई है मेरे और आपकी ये मोहताज नहीं कि मैं और आप अगर काम करेंगे तो ये दावत बढ़ेगी वरना ये पीछे रह जाएगी नहीं ये दावत बढ़ने के लिए आई है कुरान और सुन्नत की आवाज को न मक्के मुशरिकीन रोकने में कामयाब हो सके ना आज यूरोपियन पार्लियामेंट उसको रोकने में कामयाब हो सकी और न ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए लोग इसको रोकने में कामयाब हो सकेंगे मगर अगर हमारी इस दावत को कोई नुकसान पहुंचाने की हरकत कर सकता है तो वो शायद कुछ वो लोग हैं जो हमारे ही अपने मोजीन हैं हमारे ही अपने अहबाब हैं मैं यहाँ पूरे एतम से और वसूख के साथ एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा इख्तलाफ आपके साथ हो सकता है आपको यह हक हासिल है कि आप किसी शख्सियत के साथ इख्ता करें मगर किराम, उलमायरम जमात मुंतजमीन सूबों से आए हुए उनकी मौजूदगी में आप तमाम के सामने मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि दावत अहले हदीस को खिलवाड़ के तौर पर इस्तेमाल करे जमात अहले हदीस को कोई खिलवाड़ के तौर पर इस्तेमाल करे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती नहीं दी जा सकती क्या आप मेरी इस बात के लिए लब कहने तैयार हैं कोई जमात अहले हदीस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई जमात अहले हदीस के नाम पर कोई दुकानदारी नहीं कर सकता क्या आपको इत्तेफाक है इस बात पर सबको इत्तेफाक है तमाम को अगर इतफाक है मैं आपसे गुजारिश करूंगा सिवाय वो लोग जिनको कोई उजरे शरी नहीं आप खड़े हो जाए एक मिनट के लिए ताकि ये मजमा गवाही दे सके कि आप इतिहाद का मुजाहरा करने वाले हैं आप इतफाक का मुजाहरा करने वाले हैं आप इख्तलाफ को मिटाने वाले हैं कोई आदमी इख्तलाफ को परवान चढ़ने के लिए साथ नहीं दे सकता मेरे मोजज भाइयों मेरे मुआजस दोस्तों आज दुनिया हमारी दावत को देख रही है हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि बाहर से लोग इसको नहीं रोक सके खुद घर वाले इसके लिए कोई बदनुमाई का दाग ना बन रहे हो भला ताकत के जरिए से हमारी दावत को कौन रोकेगा अगर ताकत के जरिए से रोका जा सकता किसी का अकीदा किसी का नजरिया रूस के अंदर तकरीबन सत्तर साल तक रशिया के अंदर तकरीबन सत्तर साल तक मजहब मजहब का नाम लेना और बेखसूस इस्लाम का नाम लेना गोया के जुर्म था वहां कुरान मजीद का नुस्खा अवैलेबल नहीं हुआ करता था मगर सत्तर साल मजालिम के बावजूद रशिया से क्या इस्लाम को मिटाया जा सका नहीं मिटाया जा सका कुरान को खत्म किया जा सका नहीं किया जा सका मसाजिद और मसाजिद में जाने वालों के वजूद को क्या मिटाया जा सका नहीं जा सका अगर रशिया में पूरी ताकत के बावजूद कोई दिन को नहीं मिटा सका तो फिर यहाँ कौन है जिसके अंदर इतनी जरूरत हो कि रात के अब रात की तारीखी में बैठकर मीटिंग करें प्रोग्राम बनाएं और यह चाहे कि दावत अहल हदीस को रोक दिया जाए दावत अहल हदीस को खत्म कर दिया जाए कौन ये दावत को खत्म कर सकता है ये दावत आप सुन रहे हैं मेरी नहीं आपकी नहीं की नहीं, नहीं उलमा की नहीं। ये दावत कुरान मजीद की दावत है ये दावत रसूल अक्रम सलाम की दावत है आपने देखा मुख्तलिफमा और मुख्तलि किराम किस तरीके से एतदाल की बात बताते रहे और ख़ास तौर पर हमारे मोजज़ मेहमान प्रोफेसर रुहेली जो मदीना यूनिवर्सिटी के बहुत ही अहम प्रोफेसर हैं उन्होंने जो बात कही उनकी सारी गुफ्तु इसी एतदाल तवाजुन उसके अतराफ घूम रही है तमाम आइमा की ये दावत तमाम महदसिन की ये दावत तमाम मुसलमान जिम्मेदारान की ये दावत जो हर एतबार से अतदाल का सबक दे रही है उन्होंने किस दर्द के साथ मुफ्तिया ने किराम से अपील की कि तुम हालात को समझो मुफ्ती वही है जो शरीयत के साथ साथ हालात को समझने वाला हो कंटेप्रीज पर उसकी गहरी नजर हो और मसाले हैं मुरसला को समझे बगैर अगर कोई फतवा देने में जल्दबाजी का मुजाहरा करे तो उसका यह फतवा जगहसाई का बाइस बन जाएगा एतदाल एतदाल जो आप सुन रहे हैं कि दीन इस्लाम एतदाल का सबक दे रहा है इबादत के मसले में मामलात के मसले में अखलाकियात के मसले में तमाम चीजों में एतदाल का सबक दिया गया मगर किस तरीके से गुलू एक्स्ट्रीमिज्म तबाह ताराज कर दिया लोग कभी कहते हैं ना वाकिफियत की वजह से शायद अहले हदीसों में भी गुलू पाया जाता है हो सकता कुछ मुस्तियात हों एग्जेंशन हो सकती हैं वरना गुलू किसमें पाया जाता है आओ मैं बताऊं आपको अभी पिछला महीना गुजरा रबी अव्वल का उसके अंदर हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुछ मुजाहरे किए गए और उन मुजाहरों में एक अजीब गरीब चीज जो सामने आई पाकिस्तान के अंदर वहां बायदा रबी अव्वल के महीने में जब जश्न ईद मिलादुल नबी के नाम से मुनद किया गया वहां पर बाकायदा इस बार केक काटे गए केक केक काटे गए बर्थडे मैं अगर पूछूं कि के वो केक जो काटे गए किस बुखारी में आपने उसको पाया किस मुस्लिम में उसका वजूद आपको मिला हदीस की कौन सी किताब में उसका सबूत आपको मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के तौर पर केक काटे गए और एक जगह बाकायदा चौदह सौ कैंडल मोमबत्तियां जलाई गई और उसको फिर बुझाया गया जैसे कि आपने सुना होगा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग और उसी एतबार से मनवाया गया ये गुलू है या जो वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तमाम दुनिया से ज्यादा करो और यह मोहब्बत का तकाजा हो कि मेरा वजू मेरी नमाज मेरी इबादत मेरे मामलत मेरे अखलाकियात वो सब के सब मीज़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरे उतरने वाले हों कौन फिर इसके अंदर गुलू कर रहा है किस तरह का गुलू किया जा रहा है सिर्फ यही नहीं बल्कि और जो रसूल अक्रम सला वसलम के नाम के साथ जो कुछ चीज़ें यहाँ शुरू की गई आप इन दोनों को सामने रखें वो जो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी के मुताबिक अपना उठना बैठना और अपने तमाम मुआमलात को बनाओ वो गुलू कर रहा है या वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के तरीके पर ले जाना चाहता है आपके नाम के साथ जैसे बाज क्रिश्चियनों ने शुरू कर रखा बाज नसरानियों ने शुरू कर रखा हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो सूरह अंबिया की आयत 107 इस सब को याद रहनी चाहिए वमार सलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है मस्जिद के अंदर बाजार में घरेलू जिंदगी के अंदर मुआमलात में और जिंदगी के तमाम गोशों में हमें भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पैगाम अमन है पैगाम रहमत है इसको आम से आम करने वाले बने ये कॉन्फ्रेंस जिसका ये उनवान रखा गया आपने तमाम किराम के खिताबात सुने कि किस तरीके से एतदाल का सबक दिया जा रहा है कि हमें चाहिए कि एतदाल का मुजाहरा करें तोजुन का मुजाहरा करें और यही अतदालजुन ये मुख्तलिफ चीज़ों में इसकी ज़रूरत पेश आती है और ये जो एतदाल और तवाजुन की बात है उसको सामने रखते हुए अभी आपने देखा इमाम हरम की तकरीर का एक बहुत ही काबिल नुकता और इसी तरह उनसे पहले प्रोफेसर रुहेली का एक बहुत ही अहम नुकता वो ये था कि हम अगर बाहर निकलें तो दूसरों के लिए अमन सुकून और शांति के पैगम्बर बन जाए अगर हम कहीं पर रहते हों तो हमारा पड़ोसी हमारे अखलाक की खुशबू से मुत्र हो सके हम अगर दुकानदारी करें कारोबार करें तो हमारे अखलाक की महक वो सारी मार्केट को अपना गिरविदा बना लेना चाहिए इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ीन से कि हमारी मस्जिदों के दरवाजे खोल दीजिए अगर कोई गैर मुस्लिम आना चाहता है मस्जिद में तो मस्जिद नबवी से वो ज्यादा मुकद्दस नहीं हो सकती इसलिए अगर मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिम वफूद आया करते थे नबी करीम वसल्लम से दीन के हवाले से गुफ्तु करते करने के लिए तो कौन सी मस्जिद है जो मस्जिद नबवी से ज्यादा मुकद्दस हो मस्जिद हराम के बाद हमारी मस्जिदों के दरवाजे लोगों ने बंद कर रखे हैं हम कहते हैं कि खोल दीजिए मस्जिदों के दरवाजे हम नीचे बैठेंगे गैर मुस्लिम भाई आएंगे तो हम उनके लिए चेयर फराहम करेंगे कि आप कुर्सी पर बैठे ताकि आप सुने दीन क्या है समझिए कि दीनी दावत क्या है ये मेरी आपकी और तमाम अहबाब की ये जिम्मेदारी है अगर इस वक्त जबकि लोग दीन को सुनना चाहते हैं दीन को समझना चाहते हैं दीन से वाकिफियत हासिल करना चाहते हैं अगर इस मौके पर हमने सुस्ती का मुजाहरा किया तो कल कियामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दे पाएंगे कैसे हमारी बरात हो सकेगी लिहाजा तमाम सूबों से आए हुए से हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने अपने सूबों में अपने अपने इलाकों में एक प्रोग्राम का हिस्सा रखिए कि आपकी दावत और आपकी तबलीगी मसाई गैर मुस्लिमों के लिए भी होनी चाहिए उनके लिए भी आपकी कोशिशें होनी चाहिए अल्लाह ताली मुझे और आपको अमल करने की तोफ़ी ख़ता फरमाए वसलम आलकम वरम वर्का